अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैर है। मैं औरंगी टाउन से आया हूँ, डॉक्टर फहीम के साथ पास लियाकताबाद। वैसे तो मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, इनसे हजामा वगैरह मैंने करवाया था तकरीबन 6 साल पहले एक्सपो सेंटर में। तो मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से फिर मैंने डॉक्टर फहीम से रब्ता किया, तो माशाल्लाह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं ये फ़ायदा क्यों ना दूसरों तक की भी पहुँचाऊँ, कि जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उस वो भी मतलब डॉक्टर साहब से रब्ता करें। मुझे माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे जो है वैसे तो माशाल्लाह ठीक थे, लेकिन जो है बीच बीच में से काफ़ी गैप आना शुरू हो गया था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि मैंने कहा इससे पहले कि मेरे और सारे बाल गिर जाएँ तो क्यों ना मैं इसका पहले से इलाज शुरू कर दूँ। तो माशाल्लाह मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। डॉक्टर फहीम साहब से दवा ली, उन्होंने मुझे एक हफ़्ते की दवा का सिस्टम बताया, तो माशाल्लाह मुझे 1.5 महीने हो गए, तो पूरे 2 महीने इंशाल्लाह हो जाएंगे और मुझे काफ़ी बेहतरी महसूस हुई है माशाल्लाह। तो बाल में ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है, आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, देखिएगा कि बाल काफ़ी अच्छे मोटे घने हो गए और गैप भी काफ़ी ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया, 1.5 माह हो गए और आज आपकी ख्वाहिश ये थी कि अद्वियात बंद कर दी जाए। जी बिल्कुल, क्यों तकरीबन जो है रिज़ल्ट, मगर हमने कहा कि 2 हफ्ते और आप मज़ीद अगर कंटिन्यू कर लेंगे तो ये और मज़ीद पक्का काम हो जाएगा। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट ने क्या क्या चीज़ें दी हैं आपको? उन्होंने कुछ कैप्सूल दिए थे मुझे खाने के लिए, और ऑयल थी और एक क्रीम थी जो कि रात में सोते वक्त लगानी थी। बाकी फिर मैंने इनसे एक शैम्पू भी ले लिया था ताकि वॉश करके फिर मैं क्रीम लगा सकूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। हाँ डेफिनेटली, असल में बाहर से जो साबुन और शैम्पू मिलते हैं वो सब केमिकल, उसमें एसिड होता है, तेज़ाब की एक किस्म होती है जो कि वक्ती तौर पे तो शाइन आपको कर देती है आपके हेयर्स को, और बिल्कुल ऐसे कर देगी शाइनिंग और इस तरह से बिल्कुल, यानी क्या कहते हैं उसको, लगेगा सिल्की बाल, मगर वो सिल्की होने की वजह वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं पॉलिश हो के तेज़ाब लग लग के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फहीम ने आपको क्या क्या चीज़ें दी थी, आपने बताया अभी, कितनी इकसाम की चीज़ें थीं और हर्बल थीं, क्या थी वो चीज़ें? टोटली हर्बल बेस थी, शैम्पू भी टोटल हर्बल ही था, नो केमिकल। तो माशाल्लाह तो फ़ायदा हुआ क्योंकि हेयर फॉल बहुत हो रहा था, सिर्फ रीज़न ये थी कि हेयर फॉल, बाल मुसलसल कमरे में कंघा करते वक्त गिर ही जा रहे थे। तो अल्लाह से उम्मीद है माशाल्लाह बड़े बाल करूँगा, अभी तो देखें आपके सामने हैं छोटे छोटे बाल हैं, इंशाल्लाह 1-2 महीने बाद ये भी बड़े हो जाएंगे और माशाल्लाह घने आ जाएंगे। चलें उज़ैर भाई, माशाल्लाह औरंगी टाउन से लियाकताबाद तशरीफ लाते थे हमारे पास, और शायद ऐसा लगता है कि आज हमारी आखिरी मुलाकात है, और अल्लाह करे कि ये वैसे भी आए, क्योंकि होता ही है कि फ़ायदा होने के बाद मोहब्बत हो गई, मरीज़ हमें भूल जाते हैं, हम तो मरीज़ों को नहीं भूलते, हम अच्छे लोगों को याद रखते हैं, और जो एक अच्छे मरीज, क्योंकि बात ये है कि एक तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे उज़ैर भाई का कि 100 में से कोई एक पेशेंट होता है जो वीडियो पर राज़ी होता है, जबकि इनसे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ताना ताल्लुकात मोहब्बत, क्योंकि ये भी बड़े खुश इखलाक थे और हमारी भी कोशिश होती है कि इखलाक से मरीज़ों के साथ पेश आएँ, तो इतनी मोहब्बत हो गई तो बड़ी, मगर ये थोड़ा इस पे एतराज़ था इनको कि वीडियो ना बनाएं, मगर आज हमने ज़बरदस्ती इनको राज़ी कर लिया, अपनी उस मोहब्बत को जो है ना मलूज़ खातिर रखते हुए इन्होंने इजाज़त दी वीडियो की। मैं सिर्फ इस वजह से वीडियो पहले नहीं बनवा रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कहीं दूसरों को भी कि मैं सही वजाहत दे सकूँ ना दे सकूँ, कि मैं अपने ऊपर तो इम्प्लीमेंट कर लूँ, अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो क्यों ना मैं वीडियो ज़रूर बनवाऊँगा। मैंने इनसे वादा किया था कि मुझे फ़ायदा होगा तो मैं लाजमी वीडियो बनवाऊँगा। अच्छी बात है ना, अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाए और झूठ ना बोले बंदा, अपने ऊपर पहले एक्सपीरियंस करे, तसल्ली हो जाए उसको कि नहीं हाँ मुझे फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ, फिर वो आगे शेयर करे। असल में उज़ैर भाई आपकी बात बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे और अखबार में, कमर्शियल टीवी कमर्शियल्स में, रेडियो के ऊपर इतने झूठ धोखे हो गए, और पता नहीं क्या बात है कि सब लूट पिटा के परेशान हो के धोखे खा के हमारे पास ही आते हैं, अब वो 10 जगह से धोखे खा के आते हैं तो हम पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई एक दफ़ा फिर, हम सुनने वालों के से भी रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, एक दुआ स्पेशल कि अल्लाह ताला हमारे हाथ में शिफा दे, और नेक नियति से इखलास के साथ हम खिदमत करें, ट्रांसप्लांट के लाखों रुपए के अखराजात से लोगों को बचाएं, और किसी भी किस्म के आर्टिफिशियल ऑपरेट, कोई भी छोटा सीज़र या कोई भी चीरा टाँका
उसके बगैर कुदरती बाल सिर्फ इनटेक करके मेडिसिन और कुछ मेडिसिन क्रीम और ऑयल अप्लाई करके बैरूनी जो है वो फ़ायदा हम पहुँचाते रहें और मज़ीद तहकीक हमारी जारी है इंशाल्लाह ताकि और कम वक्त में और कम पैसों में अच्छा रिज़ल्ट हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।